तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं एक प्राचीन मंदिर जहां हम भी नहीं गए हैं दोस्तों। सतना जिले के नगौद विधानसभा में जसो कस्बा है, सिटी कस्बा ही बोल सकते हैं दोस्तों। जसो में एक मंदिर है जो कुम्हरा मठ के नाम से प्रसिद्ध है। हम तो कभी नहीं गए हैं दोस्तों, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो कुम्हरा मठ जो मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है वो बौद्ध विहार था। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको क्या सच्चाई है, क्या बोलते हैं लोग, उनके बोलने में क्या सच्चाई है और कैसे पहुंचा जा सकता है वहां तक, पूरा रास्ता और सब कुछ दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नागौद से, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में नागौद विधानसभा 64 है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे प्रसिद्ध जगह हॉस्पिटल जो सब कोई जानता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है सरकारी हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागौद। यहाँ से हम आपको रास्ता दिखाते हैं, अगर आप रास्ता नहीं जानते हैं तो ये चौराहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, श्रेयांश गिरी जसो सलेहा चौमुखनाथ दुरेहा पवई। तो दोस्तों हमें इसी रास्ते से जाना है, यहाँ से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर जसो है। तो चलिए सफर करवाते हैं हम जसो का और इस रास्ते का। और हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि रास्ता एकदम क्लियर है, बहुत ही चौड़ी रोड है, नई रोड है, आने जाने में एक भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 10 से 15 मिनट में आप जसो पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम जसो में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से महज 300-400 मीटर इतना भी नहीं होगा, वहीं से रास्ता है। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वो जो एक पेड़ दिख रहा है दोस्तों, पीपल का पेड़ बड़ा का जो भी है, वहीं से हमको घुस जाना है, वहीं से रास्ता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, हम दिखाते हैं बहुत ही अच्छी जगह है जो प्राचीन काल की मंदिर है। अभी हम तो गए नहीं है, लेकिन आज पहली बार हमको भी सौभाग्य प्राप्त होगा उस मंदिर के दर्शन करने का। तो ये है दोस्तों तिगड्डा, तो यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ भी कोई प्राचीन चीज़ रही होगी जिसको ध्वस्त कर दिया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जस्ट इसके विपरीत जो रास्ता सीधी गई है, हमको यहाँ से कटने के पहले जो सीधी रास्ता गई है, कुछ दूर चलने के बाद एक मूर्ति यहाँ पर भी रखी हुई है, चार मुख की, जो बौद्धिज्म की मूर्ति है। ये प्राचीन काल की सनातन की मूर्ति है दोस्तों, जो अशोक स्तंभ में चार मुख के बौद्ध बने हुए हैं। तो इसको हमने पहले ही दिखा दिया क्योंकि हमको अभी वहाँ घुसना है दोस्तों। तो यहाँ आते समय ये बाद में हमको मिली थी जगह, तो ये दोनों रास्तों के बीच में रोड के किनारे ही ये मूर्ति रखी हुई है दोस्तों। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको, वापस चलते हैं वहीं जहां से हमने आपको छोड़ा है, उसी तीन गड्ढे से। तो वीडियो में बने रहें, हम दिखाते हैं रास्ता। तो ये है दोस्तों, यहां से हमने आपको छोड़ा और यहीं से जस्ट लेफ्ट साइड आपको घुस जाना है। ये देख सकते हैं पेड़ के बगल से लेफ्ट साइड जगह है, यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर चलने के बाद वो रास्ता मिल जाती है, 10 से या 20 मीटर चलने के बाद वो रास्ता मिल जाती है। तो दोस्तों हम दिखाते हैं ये रास्ता दोस्तों, ये हम भटक गए थे दोस्तों, थोड़ा आगे निकल गए थे तो वहाँ से वापस आना पड़ा। दोस्तों वहाँ से घुसने के बाद जो पहली रास्ता दाएं साइड मिलती है वहीं से हमको घुस जाना है, और यहाँ से महज 20-30 मीटर आगे जाने के बाद मंदिर मिल जाती है। ये बस्तियाँ हैं दोस्तों, देख सकते हैं, हम दिखाते हैं पूरा वीडियो आपको, कहीं भी कट करके नहीं दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने ये जो मंदिर दिखने लगी है थोड़ा थोड़ा,
और ये जो लेफ्ट साइड मंदिर है यहाँ नहीं, ये जो राइट साइड जो औरतें जहाँ से आ रही हैं दोस्तों, ये है मुख्य द्वार। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको अंदर क्या क्या है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों देख सकते हैं एक अशोक स्तंभ के ऊपर रखी हुई चार मुख की मूर्ति, ये बुद्ध की मूर्ति है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बुद्ध की मूर्ति ही लगती है, लगती है क्यों है। तो चलिए दोस्तों और दिखाते हैं इस मंदिर में हम आपको क्या क्या दिखा सकते हैं, वीडियो में बने रहिए, हम सब कुछ दिखाएंगे जो इस मंदिर में हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्राचीन काल का जो इतिहास है वो आज भी जिंदा है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं सब टूटी फूटी पड़ी हुई, ये देख सकते हैं यहाँ भी एक तथागत बुद्ध की मूर्ति है जिसका सर भी नहीं है, उसको भी तोड़ दिया गया है। यहाँ से एक बात तो सिद्ध होती है कि जिन लोगों के द्वारा इन मूर्तियों का ध्रुवीकरण किया गया है उन्हीं लोगों के द्वारा इन मूर्तियों का खंडन भी किया गया होगा। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं ये भी एक बुद्ध की मूर्ति है। हर जगह बुद्ध ही बुद्ध हैं, ध्रुवीकरण करके कहीं कुछ बनाया गया है। यहाँ पर भी जो श्रद्धालु आते हैं तो इन मूर्तियों को शंकर भगवान मान के पूजा करते हैं क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी मूर्ति का खंडन, एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जो सही सलामत बची हो। तो दोस्तों उस साइड भी मूर्तियाँ इसी तरह रखी हुई हैं और यहाँ पे देखिए ये भी बुद्ध की ही मूर्ति है और इसको भी शंकर जी मान के यहाँ की जो औरतें हैं वो पूजा करती हैं क्योंकि उनको बताया नहीं जाता। ये देख सकते हैं दोस्तों ये भी बुद्ध की ही मूर्ति है जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। दोस्तों ये प्राचीन काल का पत्थर है, ये जो अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध विहार बनवाए थे उन्हीं में से एक है ये कुम्हरा मठ, जिसको आज शंकर मंदिर, शंकर भगवान मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये ध्रुवीकरण का एक प्रतीक है। और ऐसे ही कई न जाने कई मंदिरों को ध्रुवीकरण करके शंकर जी का मंदिर बनाया गया। ये देख सकते हैं और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर जो उनके टुकड़े हैं मूर्तियों के टूटे हुए हैं वो भी रखे हुए हैं। और मंदिर देख सकते हैं बहुत ही आलीशान मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर सिर्फ पत्थरों से ही बनाया गया है, उस ज़माने में ये ईंटें सीमेंट नहीं लगाया जाता था। ये देख सकते हैं ये भी कुछ मूर्तियां हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मंदिर की ओर और कराते हैं आप लोगों को मंदिर के दर्शन।
ये है दोस्तों, देख सकते हैं ये चित्र है, एक शेर का चित्र है, इसको भी तोड़ दिया गया है। ये शेर का ही चित्र है। अब चलते हैं यहाँ से ऊपर मंदिर, मंदिर में कौन से देवता शंकर जी कौन बैठे हुए हैं दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहें। ये है सीढ़ियाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ काम भी हुआ है, नेताओं के द्वारा कुछ काम भी करवाया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर सावन में। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं हम आपको अंदर। तो दोस्तों ये है मूर्ति, मूर्ति है ये शिवलिंग है, लेकिन हमारे हिसाब से ये अशोक स्तंभ है दोस्तों, क्योंकि शिवलिंग आप कहीं भी शिवलिंग देखते हैं तो एकदम गोल मटोल रहता है, लेकिन जो अशोक स्तंभ होता है उसमें कटिंग होता है, नीचे कटिंग रहती है। तो हम आपको कटिंग दिखाते हैं, जैसे नीचे आपको ध्यान से देखिएगा, जैसे पत्थर में कटिंग, ये देख सकते हैं दोस्तों पत्थर में कटिंग है, और ये अशोक स्तंभ की निशानी है। तो ये स्तंभ ही है, और यहाँ पे स्तंभ भी रखा हुआ है। ये 84,000 बौद्ध विहार में से एक है, और इसको ही ध्रुवीकरण करके शिव मंदिर बना दिया गया है। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि ये शिव मंदिर है या बौद्ध विहार है। हमारे हिसाब से तो ये बौद्ध विहार ही है। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं नीचे। तो दोस्तों देख सकते हैं इस मंदिर में एकदम पत्थर लगे हुए हैं, इसमें न कहीं सीमेंट दिखती होगी और न कहीं चूना गारा, टोटल पत्थर की जमावट इस तरह से बनाई गई थी प्राचीन काल में। ये मंदिर कई हजार साल से उसी तरह खड़ी हुई है, और जहाँ थोड़ा क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ अभी के जो नेतागण हैं उन लोगों ने यहाँ पे मरम्मत करवाई और छपवाया। और लेकिन ये पत्थर जो आपको कटिंग कमल के जैसे दिख रहे हैं, ये प्राचीन काल की कटिंग के पत्थर हैं, ये पहले से ही लगाए गए थे दोस्तों। तो चलिए हम मंदिर के चारों तरफ से हम आपको दिखाते हैं कि कैसी बनावट और कैसी डिजाइन दी गई थी। ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से पत्थरों की कटिंग, किस तरह से डिजाइन किया गया था उस जमाने में, जब इंजीनियरिंग का नामो निशान नहीं था, तब भी हाथ से बड़े बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, और जो हथियार होते थे वो भी बहुत कम हुआ करते थे, फिर भी इस तरह से पत्थरों की कटिंग की जाती थी दोस्तों। ये देख सकते हैं, और इतना बड़ा विशालकाय मंदिर पत्थरों में इस तरह से बैठा हुआ है, और इनके दरारों में देखिए कहीं पर भी चूना गारा सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, और मूर्ति भी बैठी हुई है दोस्तों चारों तरफ, किसी न किसी मुद्रा में कोई न कोई मूर्ति भी पत्थरों के बनावट से बनी हुई हैं, रखी हुई हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, सेल्फी वगैरह भी खींचते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आपको पत्थर के बीचों बीच कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी एक मूर्ति रखी हुई है, बनी हुई है दोस्तों, पत्थर में ही बनी हुई है। और ये मंदिर के अंदर का पानी निकलने के लिए बनाया गया था नीचे, और ये देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से पूरी मंदिर हम दूर से जाके दिखाते हैं कि कितनी भव्य मंदिर है। चूँकि इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए थोड़ा कमज़ोर कमज़ोर दिख रही है, देखने में खूबसूरती कम है। चूँकि प्राचीन काल की चीज़ है इसलिए देखने में भी सुंदर लगती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक चित्र रखा हुआ है, ये चित्र कहे का है, किस चीज़ का है, इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। दो चित्र हैं, एक स्तंभ जैसा दिख रहा है और एक कुछ। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे और वीडियो ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। जाना जरूर।